हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लेमडा k कैप आर पैरेलल टू इच अदर देन द वैल्यू ऑफ लेमडा इज। अब जैसे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, तो जब आप a क्रॉस b करते हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो होता है ap sin थीटा, जिसमें कि अगर मान लो वेक्टर ए और बी जो है आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो वेक्टर ए और बी आपस में पैरेलल होना मतलब कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होना। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सिंपली बोले तो 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनका क्रॉस करो, तो इनका क्रॉस जब हम लोग करेंगे तो ए क्रॉस बी हमें करना है। तो इसका तरीका होता है डिटरमिनेंट मेथड होता है, जिसमें कि फर्स्ट रो में लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद ए के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं जो कि है 2, 3, -1, और उसके बाद बी के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं जो है -4, -6, -λ। फिर इसका क्रॉस करने के लिए आई कैप ब्रैकेट ये आपका 3 into -λ, सो -3λ हो जाएगा। क्रॉस कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस रख के -6 into -1 तो +6, फिर माइनस जे कैप होता है उसके बाद ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो -2λ, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो -4, माइनस लगा के 4, प्लस के कैप रख के फिर ये आपका जब होगा तो फिर मल्टीप्लाई होगा 2 into -6 -12, फिर माइनस लगा के -4 into 3 -12, तो -12 हो जाएगा। इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि ये हमारा पैरेलल है वेक्टर ए और बी, ऐसा हमें बता रहा है यहाँ। तो ये तो 0 हो गया, ये कब 0 होगा? ये कब 0 होगा? अगर यहाँ लेमडा की वैल्यू मतलब -3λ -6 = 0 अगर चाहिए, तो लेमडा की वैल्यू तुम्हें कितनी मिलेगी, है ना? लेमडा की जो वैल्यू तुम्हें मिलेगी वो कितनी मिलेगी? तो वो तुम्हें मिलेगी -2, है कि नहीं? -3λ = -6 means λ = -2, या फिर यहाँ पर भी देखो तो λ = -2 रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर लेमडा हमारी -2 आती है, यहाँ माइनस होना चाहिए, ओके, तो हमारा जो ए और बी वेक्टर है वो आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।